दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका आपके इस अपने चैनल पी के अलग टेगरी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी। दोस्तों, अभी अभी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत यानी कि 2 साल से इंतज़ार था, बहुत से कैंडिडेटों को इंतज़ार था कि हमारा जो एक सीटी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो दोस्तों, आपके जो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो अभी अभी ख़त्म होती हैं। हाँ दोस्तों, इंतज़ार किस बात का, आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। वो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हरियाणा यानी HSC की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसे हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, खुशी इतनी हो रही है, जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ रही है दोस्तों, और आपको बताना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पब्लिक नोटिस पर जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड। ये तो दोस्तों OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022 हरियाणा फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो दोस्तों, ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो आइए करते हैं इस नोटिस को डाउनलोड और जानते हैं कंप्लीट डिटेल को। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। ये आप देख सकते हैं, नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022 हरियाणा फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022 हरियाणा फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका ये जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2022 सैटरडे एंड 6 नवंबर 2022 संडे। तो इन 2 दिन आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग में दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो चलेगा। ये आप टाइमिंग देख सकते हैं एग्ज़ाम की। 5 नवंबर की यदि मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में आपका जो टाइम रहेगा वो 10 AM से लेकर 11:45 AM तक का रहेगा। यानी टोटल मिनट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, 105 मिनट आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ मिनट जो है वो मिलेगी। इसी तरह से आपका इवनिंग जो सेशन है वो रहेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्यूरेशन 1 hour 45 minutes यानी 105 minutes इंक्लूडिंग 5 minutes फॉर फिलिंग 5th ऑप्शन। इसमें दोस्तों आपसे आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपकी बार आपके क्वेश्चन पेपर में 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो उस 5 क्वेश्चन के चलते ही आपको ये जो है 105 मिनट का टाइम जो है, पहले आपको टाइम 90 मिनट मिलता था, लेकिन अब की बार आपको टाइम जो है 105 मिनट का वो दिया गया है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ट, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका एग्ज़ाम होगा। मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, ऑफलाइन आपका एग्जाम रहेगा। मीडियम दोस्तों, पहले बाई लैंग्वेज आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका जो एग्जाम जो है वो रहेगा दोस्तों। और यदि मैं बात करूँ एडमिट कार्ड की, तो आपके एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम से 4 दिन पहले जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, और आपके एडमिट कार्ड जो है इस साइट से डाउनलोड होंगे दोस्तों, जहां से आपने जो है 1 time रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये थी जानकारी CET हरियाणा CET के बारे में। कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।